Hello everyone. Welcome to Banik Smart Class. I am Pritham sir, faculty in aptitude. Today we will solve ladder fraction and continued fraction in some seconds. That means कुछ नया तरीके से हम continued fraction या फिर ladder fraction को solve करेंगे। यहाँ पे ये question आप लोग को पता है, इसको कैसे हम solve करते हैं ना। ये सारे के सारे जो question है ये हम उसको नीचे से लेकर ऊपर तक हम लोग सॉल्व करते हैं, यस और नो। तो एक तरीका तो वो आपका कंसेप्चुअल मेथड का है, दूसरा तरीका आप उसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? नीचे से लेकर ऊपर तक जाना है आपको। पूरा नीचे पार्ट में कितना लिखा हुआ है? 1 + 1/2, 1 + 1/2। अगर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 × 1, 2 + 1, 3। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 3/2। ऊपर कितना है? 1 है, तो 1/3/2 का मान कितना आ जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, दैट मीन्स 2/3 आ जाएगा। यहां पर भी कितना है? 1 + 2/3, दैट मीन 3 × 1, 3 + 2 कितना आ जाएगा आपका? 5/3 आ जाएगा। फिर से ऊपर कितना है? 1 है, दैट मीन्स 1 / 5/3। तो इसको हम कैसे लिखते हैं ना? 3/5। क्लियर? अगेन यहाँ पे 1 है, तो 1 + 3/5, दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 1 + 3/5 कितना आ जाएगा? 5 × 1, 5 + 3, 8, तो 8/5 आ जाएगा। अगेन 1 / 8/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/8 लिख सकते हैं। यह हम लोग का तरीका है। तो बिना स्टेप से कैसे करेंगे? दो तरीके से कर सकते हैं। जो हम अभी किए हैं उसको आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैं एक नया ट्रिक आप लोगों को दे दूंगा। फिर से मैं बता रहा हूं, जो मैं लिखा हूं वही बात को मैं रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? नीचे से लेकर ऊपर तक आपको सॉल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 1, 2 + 1, 3, 3/2। ऊपर जाएगा 2/3, 3 × 1, 3 + 2, 5/3। फिर से ऊपर आ जाएगा 3/5, 3/5 आ गया। यहाँ पे फिर कितना है? 1 है, so 1 + 3/5, that means 5 × 1, 5 + 3, 8, 8/5। फिर से ऊपर कितना है? 1 है, तो 1 / 8/5, तो इसको वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/8 आ जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरे तरीके कैसे हम सॉल्व करेंगे, नया मेथड हम दिखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझा रहा हूं, समझाना। नीचे से लेकर ऊपर तक आप लोग को सॉल्व करना है। तो नीचे जो है यहां पर कितना है? 1/2 है। कितना है? 1/2। मैं जब ये जो मेथड आप लोग को बता रहा हूं, बी श्योर दैट, मेक श्योर दैट यहां पे सारे के सारे 1 होना जरूरी है। यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, प्लस लिख सकते हो, माइनस लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहां पे कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है? तो जब भी क्वेश्चन भी हमको पूछता है यहां पे 1 ही रखता है वो। तो देखिए यहां पे कितना है? 1/2 है, तो कैसे आप लिखोगे? 1 लिख लिए, उसके बाद 2 लिख लीजिए, ठीक है? उसके बाद काउंट कीजिए कितना एडिशन या कितना सब्सट्रैक्शन सिंबल है। यहां पे कितना है? 1, 2, 3। कितना सिंबल आ गया? 3। तो ऐसे मार्क कर दीजिए, हो गया। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे प्लस सिंबल लिखा हुआ है, सभी के सभी प्लस सिंबल है, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर ये सारे के सारे प्लस है तो सिंपली एडिशन कीजिए। कैसे एडिशन कीजिए? 2 + 1, 3, अगेन 3 + 2, 5, अगेन 5 + 3, 8 आ गया आप लोग का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 8 आ गया। जो आपको ये तरीके से आप सॉल्व करते थे, कैसे सॉल्व करते थे ना? 2 × 1, 2 + 1, 3/2, नेक्स्ट 2/3, नेक्स्ट फाइव बाई थ्री, नेक्स्ट थ्री बाई फाइव, नेक्स्ट एट बाई फाइव, नेक्स्ट फाइव बाई एट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फाइव, यहाँ पे कितना आया है एट, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5/8। कितना आ गया 5/8। समझ पा रहे हो? क्या करना है फिर से दोहरा रहा हूं, पूरा नीचे का फ्रैक्शन देख लीजिए कितना है ना, यहां पे है 1/2, तो यहां पे कितना लिख दोगे 1 लिख लो, उसके बाद 2 लिख लो, उसके बाद जितने एडिशन या सब्सट्रैक्शन सिंबल है उतना गैप छोड़ दो। 3 सिंबल है तो 3 गैप छोड़ दिया, यहां पे एडिशन है तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, तो 2+1 3, 3+2 5, 5+3 8, उसके बाद इसका मान कितना आ जाएगा ना 5/8। क्लियर? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए यहां पे सारे के सारे सिंबल क्या है माइनस में है, तो वही तो चीज 1/3, तो यहां पे 1 लिख लीजिए, उसके बाद 3 लिख लीजिए, हो गया। उसके बाद कितने सिंबल है 1 2 3 4, 4 है तो गैप दे दीजिए 4, हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है। 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, 2 - 3 कितना आ जाएगा -1, -1 - 2 कितना आ जाएगा -3। अब -3 - -1 दैट मीन्स -3 + 1 दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा -2, तो इसका मान कितना आ जाएगा -3/-2। माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 3/2। ये जो क्वेश्चन है यहां पे सब्सट्रैक्शन सिंबल भी है, एडिशन सिंबल भी है। मेक श्योर दैट यहां पे हमेशा क्या आना चाहिए ना 1 आना चाहिए। तो सॉल्व सिंपली नीचे से ऊपर तक करेंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे जब 1 था तो कोई दिक्कत नहीं था, यहां पे जब 1 था तो कोई दिक्कत नहीं था, पर फिलहाल यहां पे कितना है 2 है, कहीं पे 2 होना चाहिए, कहीं पे 3 हो सकता है, कहीं पे 4 भी हो सकता है। लेकिन तो अगर यहां पे 1 आ गया तो कोई परेशान नहीं है, अगर 1 के अलावा और कुछ भी आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। यहां पे कितना है 1/2, तो लिख लीजिए 1, यहां पे 2, कितना सिंबल है 1 2 3, यहां पे एडिशन है, यहां पे एडिशन है, यहां पे सब्सट्रैक्शन है, तो 3 सिंबल छोड़ दीजिए, हो गया। उसके बाद क्या करोगे, यहां पे जब 1 था तो कुछ दिक्कत नहीं था, आप इसे सिंपली एडिशन करते थे या फिर सब्सट्रैक्शन करते थे। फिलहाल क्या है यहां पे 2 है, तो कैसे लिखोगे देख लीजिए, यहां पे 1 आ गया, यहां पे 2 आ गया। देखिए जब आप 1 और 2 लिख लिए उसके बाद यहां पे कितना है 2 है, यस और नो, यहां पे कितने हैं 2 है, तो इस जो 2 है इसको यहां पे रख लीजिए, ये 2 के साथ ये 2 लिख लीजिए। उसके बाद फिर से क्या है 2 है, यहां पे लिख लीजिए, इसके बाद फिर से क्या है 2 है, यहां पे लिख लीजिए, हो गया आप लोग का अरेंजमेंट। अभी सॉल्व कीजिए, पहला वाला यहां पे क्या है सब्सट्रैक्शन करना है, तो 2 × 2 कैसे लिखोगे 2 × 2, 2 × 2 4, सब्सट्रैक्शन है -1, तो 2 × 2 4 - 1 कितना आ गया 3। उसके बाद क्या है यहां पे एडिशन है, एडिशन कैसे करोगे आप लोग 3 × 2 6 + 2 कितना आ गया 8। अगेन 8 × 2 16, 16 + 3 19, तो आप लोग का आंसर कितना आ जाएगा 8/19। क्लियर? और एक बार बता देता हूं, अगर यहां पे ऐसा क्वेश्चन है 1/3 प्लस कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, 1/2 प्लस, यहां पे सिंपली है सपोज 1 पे 3 लिख लो, यहां पे 4 भी लिख सकते हो, 4 3, यहां पे 2 - 1/2, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए यहां पे 1/2 है, तो 1 लिख लिए, 2 भी लिख लिए, कितना सिंबल आ गया, तीन, गैप छोड़ दीजिए तीन। यहां पे दो के साथ कितना है, दो, यहां पे लिख लीजिए। इसके बाद क्या है, तीन, उसके बाद क्या है, चार, लिख लिए। उसके बाद 2 into 2 4 माइनस 1 3, अगेन 3 into 3 9, 3 into 3 9 + 2 11, अगेन 11 into 4 44 + 3 47, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 11/47। हो गया। तो ये सारे चीज आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन या फिर लैडर फ्रैक्शन को ऐसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखिए, यहां पे बच्चे लोग क्या करते हैं, बहुत सारा दिमाग लगाते हैं, इसको सॉल्व भी करते हैं, उसके बाद उसका आंसर निकालते हैं। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, तो क्वेश्चन क्या है आखिर। यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, यहां पे 1/, यहां पे भी 1/, है। यहां पे बच्चे क्या है, 3 होल 4/5, 3 होल 4/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 4/5 लिख सकते हैं। यहां पे देखिए 1 + 1/4 है, अगर उसको आप सॉल्व करते हो तो 4 × 1 4 + 1 5/4 आ गया। ऊपर कितना है, 1, तो 1/5/4 को आप क्या लिख सकते हो, 4/5 लिख सकते हो। यहां पे 3 है, 3 + 4/5, यहां पे कितना है 3 + 4/5 को हम लिख सकते हैं या नहीं, 3 होल 4/5 जैसा लिख सकते हैं। तो ये सारे के वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 3 + 4/5 मीन्स ये टोटल वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड एज 3 होल 4/5। 3 + 1/1 + 1/4 दैट इज 4 × 1 4, 1 5, 5/4, तो यह आ गया आपका 4/5। यहाँ पे 3 + 4/5 को आप लिख सकते हो 3 होल 4/5। अभी देखिए कि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट सेम ही हो गया, 2 + 1/3 = 4/5 डिवाइडेड बाय 2 + 1 ये भी आ गया आपका 3 = 4/5 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका 1। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए उसको आप कैसे सॉल्व करते हो। मुझे पता है आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते हो। यहाँ पे 1/a + 1/b + 1/c + 1/d का मान रखा गया है 8/27। फाइंड a + b + c + d। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो ना, 8/27 को आप ऐसे लिखते हो, पहले 1/27/8 ऐसे लिखते हो आप लोग। उसके बाद आप ऐसे लिखते हो 1/27/8 को आप लिखते हो 3 + 3/8, 8 × 3 = 24 + 3 = 27। उसके बाद इसको आप ऐसे लिखते हो 1/3 + अगेन लिखते हो 1/8/3 ऐसे लिखते हो। अगेन लिखते हैं हम 1/3 + 1/, 8/3 को हम लिखते हैं 2 + 2/3, 3 × 2 6 + 2 8/3। अगेन आप इसको लिखते हैं 1/3 + 1/2 + 2/3 को हम लिखते हैं 1/3/2। फिर से 1/3 + 1/2 + 1/3/2 को हम कैसे लिखेंगे, 1 + 1/2 ऐसे तो लिखेंगे। 2 × 1 1 + 1 3/2। तो ये आपका जो a का पार्ट था, अभी कंपेयर कीजिए, a के जगह पे कितना आ गया आपका ना 3, यहाँ पे b है, यहाँ पे कितना आ गया आपका 2, यहाँ पे c है, c के जगह पे क्या है ना 1, और यहाँ पे d है और d के जगह पे यहाँ पे क्या है ना 2। तो जोड़ दीजिए 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8। ये आपका है ट्रेडिशनल मेथड, ऐसे ही आप लोग सॉल्व करते हो इसको। अभी देखिए मैं जो बताना जा रहा हूं, आप लोग एचसीएफ जैसे निकालते हो इसी तरीके से ये लाडर फ्रैक्शन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे ना, ये आ गया आपका 8/27 आ गया। अभी कुछ नहीं करना है, इसको इन्वर्स कर देना है। दैट मींस 27/8। आपको क्या करना है, 27 से 8 को भाग देना है, जैसे कि आप लोग एचसीएफ में भाग देते हो, जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। तो देखिए 8×24, तो यहां पे रिमाइंडर कितना आ गया 3। अगेन 8 से डिवाइड कीजिए, 6 यहां पे आ गया 2, यहां से फिर से 3 आ गया। जैसे एचसीएफ निकालते हो 2 × 1 2, यहां पे आ गया 1, यहां पे फिर से 2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। दैट मीन्स ये सारे के सारे जो कोसेंट है, ये सारे के सारे आपका ABCD का मान है, जस्ट जोड़ दीजिए। 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 आप लोग का आंसर सिंपली आ गया 8। कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली जोड़ दीजिए। अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि यहां पे 8/27 की जगह पे 9/26 आ जाए, तो इसको लिख दीजिए 26/9। अभी डिवाइड कीजिए, 9 × 2 18, यहां पे आ गया आपका कितना 8। अगेन 9 आ गया, ठीक है। 8 × 1 8, 9 - 8 1, यहां पे कितना है 8, कितना आ गया आपका 0। तो यहां पे कितना आ गया 2, यहां पे कितना आ गया 1, यहां पे कितना आ गया 8। 2 + 1 3, 3 + 8 11, 9/26 9/26। दैट मीन्स 9/26 मतलब उसको फास्ट आप इन्वर्स कर दीजिए, 26/9। अभी डिवाइड कीजिए, 9 × 2 18, माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 16 - 8 आ गया 8। यहां पे कितना था 9, यहां पे रख लीजिए। 8 × 1 आ गया आपका 8, 9 - 8 आ गया आपका 1, यहां पे फिर से 8 ला लीजिए, तो 1 यहां पे आ गया 8, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ये आपका हो जाएगा A का मान, ये हो जाएगा B का मान, ये हो जाएगा C का मान। तो ये जो सारे चीज हमने बताया आप लोग को, तो ये सारे चीज आप लोग को एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा कि लाडर फ्रैक्शन या फिर आप लोग का जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस वीडियो, सो वेट फॉर माई नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो। सो थैंक यू, लाइक, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।